स्पेशल फोकस ऑन सनफ्लावर एंड ब्रासिका। मोहम्मद वकार जो पीएचडी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड लीव योर टॉक। उम्मीद करता हूँ आप सबका जो ये वर्कशॉप है अच्छी जा रही होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रोल ऑफ बीज इन क्रॉप पोलिनेशन, और इसमें हम स्पेशल फोकस ऑन ब्रासिका एंड सनफ्लावर, क्योंकि ये दोनों ऑयल सीड क्रॉप्स हैं और इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान भी ऑयल सीड प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी फोकस्ड है, तो इसलिए इन दो क्रॉप्स पे हम फोकस रखेंगे और मेन टॉपिक हमारा होगा रोल ऑफ बीज इन क्रॉप पोलिनेशन। शहद की मक्खियाँ जो हैं वो दुनिया में सबसे वाइडली सबसे ज़्यादा मैनेज पोलिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। पोलिनेशन के लिए बाकी इंसेक्ट्स भी हैं लेकिन अगर हम मैनेज पोलिनेशन की कैटेगरी में लें तो सबसे ज़्यादा हनी बीज को ही यूज़ किया जाता है फॉर मैनेज पोलिनेशन। और अगर इसकी हम क्वांटिफिकेशन करने की कोशिश करें तो हम एक शहद के डिब्बे से जो पैदावार ले रहे हैं जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें शहद, वैक्स और रॉयल जेली, उन सब को एक तरफ रखें तो जो पोलिनेशन की वैल्यू है हनी बीज से जो हमें हासिल हो रही है वो 30-50 टाइम मोर है हाई अदर हाई प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वैल्यू किस तरह क्वांटिफाई की गई, क्योंकि हनी बीज जब किसी भी क्रॉप को पोलिनेट करती हैं तो क्रॉप इन्हेंसमेंट, यील्ड इन्हेंसमेंट में मददगार साबित होती हैं। और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ फ्रूट उसको भी इंक्रीज करती हैं। तो अल्टीमेटली जो हनी बीज हैं वो उनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे इंसानों की फूड सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो हनी बीज अगर इन टर्म ऑफ मॉनेटरी मनी के हवाले से देखें तो तकरीबन एफएओ ने एक रिपोर्ट शाया की थी 2018 में, उसमें 235 बिलियन यूएस डॉलर्स की लागत के बराबर हनी बीज जो पोलिनेशन की एक्टिविटी करती हैं वो 235 बिलियन डॉलर्स यूएस के बराबर उसकी मतलब उससे फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बहुत सी चीज़ें। अगर हम अपनी खुराक की बात करें तो जब हम खुराक कंज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसका जो 50% हिस्सा है वो शहद की मक्खियों की पोलिनेशन से हासिल होता है। तो ये बहुत बड़ी फिगर बनती है कि हमारी खुराक का 50% हिस्सा डायरेक्टली हनी बीज की पोलिनेशन से लिंक्ड है। और 70% ऑफ द क्रॉप्स जो टोटल एग्रीकल्चर क्रॉप्स यूज की जाती हैं उसकी 70% फसलें ऐसी हैं जिन पे हनी बीज पोलिनेट करती हैं और वो 70% टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 35% हिस्सा बनता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हवाले से, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के हवाले से जो हनी बीज उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जैसा कि पहले बताया कि बात हमने की कि मैनेज्ड पोलिनेशन अगर हम उसमें लें, मैनेज्ड पोलिनेशन हम उस चीज़ को लेंगे कि जिसमें हम पोलिनेशन सोर्स को खुद मैनेज कर रहे हैं, हनी बीज को हम मैनेज कर रहे हैं। किस तरह मैनेज करेंगे कि हम जहाँ पे चाहते हैं हम वहाँ पे उनसे पोलिनेशन करवा सकते हैं। अगर हम नेचुरल कॉज पे जाएं विंड एबायोटिक में जिसमें विंड आते हैं और बाकी होते हैं, और बायोटिक में अगर दूसरे वाइल्ड बीज दे रहे हैं तो उनको हम उस तरह मैनेज नहीं कर सकते, उसमें हमें तमाम इकोसिस्टम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसमें, उसके लिए उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये जो मैनेज्ड एग्रीकल्चर पॉपुलेशन सर्विसेज के हवाले से अगर देखें तो हनी बीज हमें बहुत कन्वीनियंट पड़ती हैं, उसमें हम जिस भी क्रॉप पे जिस भी सीजन में पोलिनेशन करवाना चाहें तो हम हनी बीज को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये कंसेप्ट पाकिस्तान में भी उस तरह डेवलप तो नहीं हुआ लेकिन फॉरन में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पोलिनेशन का कंसेप्ट एक डेवलप्ड कंसेप्ट है, और उसमें हनी बी कीपर्स सिर्फ और सिर्फ अपने शहद के डब्बे सिर्फ पोलिनेशन के लिए पालते हैं। उसके बाद उनमें से अक्सर से ज़्यादा डब्बों को वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उससे ना वो हनी प्रोड्यूस लेते हैं ना कुछ और। उनका सिर्फ फार्मर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपकी क्रॉप को अपनी हनी बी से कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और उसके इवेज वो एक मुआवजा आपस में तय कर लेते हैं। वहाँ पे फार्मर्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि हनी बीज किस कितने हवाले हमारे यहाँ, तो ये बी कीपर्स जो बैठे हैं उनको पता होगा कि फार्मर्स के जाके पहले मेहनत समाजत करनी पड़ती है कि हमें रखने दें। जबकि इस चीज़ को अब आप लोग यहाँ पे वर्कशॉप में और जहाँ पे भी जाएं इस चीज़ को आगे डिलीवर करने की ज़रूरत है, फार्मर्स को बताने की भी ज़रूरत है कि हनी बीज पोलिनेशन के हवाले से क्या क्या किस तरह उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। उसमें वजह देखेंगे स्पेशल एडाप्टेशन फॉर एफिशिएंट पोलिनेशन ऑफ हनी बीज। हनी बीज में ऐसी क्या खसूसियत है वो इतने इफेक्टिव पोलिनेटर्स हैं, उसमें जो तीन चार मेन बातें हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी है। आप हनी बीज की पोलिनेशन अगर किसी भी क्रॉप पे हनी बीज की पोलिनेशन करवाएं इन रिस्पेक्ट टू अदर पोलिनेटर्स, तो आप उसमें देखेंगे कि हनी बीज कंसिस्टेंट है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि हनी बीज किसी दिन ज़्यादा पोलिनेशन हो रही है किसी दिन कम पोलिनेशन हो रही है। उनकी कॉलोनी का एक सिस्टम चल रहा है, उन्होंने अपनी कॉलोनी का सिस्टम चलाने के लिए पोलिनेशन के लिए डेली निकलना है अर्ली मॉर्निंग, और वो जो भी उनकी कॉलोनी का शेड्यूल है अर्ली मॉर्निंग काम शुरू कर देती हैं। क्रॉप स्पेसिफिक होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके एफिशिएंट पोलिनेटर्स होने में। सेकेंड वन इज लॉन्ग आवर फॉर्चर्स। अर्ली मॉर्निंग पोलिनेशन स्टार्ट करती हैं और लेट इवनिंग तक डस्क तक फॉरेजर्स जो हैं वो पोलिनेशन करते रहते हैं। तो जो क्रॉप में डे टाइम होता है जो जिसमें हम सनशाइन हासिल कर रहे होते हैं, तो वो थ्रू आउट द डे उसमें वो पोलिनेशन कर रही होती हैं। और हाई पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज कैन बी मेंटेन फॉर पोलिनेशन सर्विस। हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की मेंटेन करके रख सकते हैं, और बनिस्बत दूसरे पोलिनेटर्स की पॉपुलेशन मेंटेन करने के इनकी पॉपुलेशन मेंटेन करना इजी है। और जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होंगे उसमें इंसेक्ट पोलिनेशन उतनी ज़्यादा उसमें दे सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट के हवाले से यह है कि ये ईजीली मैनेज हैं इन रिस्पेक्ट टू अदर पोलिनेटर्स। और सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंट क्लाइमेट्स में ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव। आप देखेंगे कि माल्टे की पोलिनेशन भी हनीबीज कर रही होंगी, आप गिलगित के मौसम में चले जाएं वहाँ पे भी हनीबीज पोलिनेट कर रही होंगी, आप यूएसए में किसी आलमंड प्रोडक्शन में जाएं वहाँ भी हनीबीज पोलिनेट। तो डिफरेंट क्लाइमेट के हवाले से ये जो इंसेक्ट है एपिस मेलिफेरा ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव है, और ये भी ये एक मेन वजह है इसकी सक्सेस की एज मैनेज पोलिनेटर। हम हनी पोलिनेशन की ज़्यादा इफेक्टिवनेस किस तरह हासिल करते हैं, कौन से वो आवामिल हैं जिससे हम हनी बीज से जो पोलिनेशन हासिल कर रहे हैं वो उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले क्रॉप टू नंबर ऑफ हनी बी रेशो, कि ये एक चीज़ इस्टेब्लिश है कि किस क्रॉप पे कितनी नंबर ऑफ कॉलोनीज हमें चाहिए होती हैं। तो नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन क्रॉप जो है वो बहुत मैटर करती है फॉर इफेक्टिव पोलिनेशन ऑफ एनी क्रॉप। द सेकंड थिंग इज डिस्टेंस ऑफ बी कॉलोनीज फ्रॉम क्रॉप। इस तरह ये पहले भी यहाँ पे डिस्कस हुआ होगा कि हनी बीज क्रीप वाली जगह को ज़्यादा प्रेफर करती हैं फॉर फॉर्जिंग ऑफ पोलन एंड नेक्टर। तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी क्रॉप पोलिनेशन की इफेक्टिवनेस में। टाइमिंग एंड मेथड ऑफ प्लेसिंग हनी बीज, आप क्रॉप की किस स्टेज पे हनी बीज प्लेस कर रहे हैं, फ्लावरिंग की किस स्टेज पे हनी बीज प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रॉप 70% फ्लावरिंग पे आ चुकी है तो वहाँ पे अगर आप मैनेज पोलिनेशन करेंगे हनी बीज के थ्रू तो वो लेस इफेक्टिव है इन रिस्पेक्ट टू के क्रॉप 5-10% पोलिनेशन पे हो और आप टाइमली अपनी हनी बीज को वहाँ पे मूव करें, उसमें क्रॉप को ज़्यादा फायदा होता है और अल्टीमेटली हनी बीज को भी ज़्यादा फायदा होता है।
क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नेक्टर और पोलन हनी बीज को भी अवेलेबल होता है और वो अच्छी तरह फॉरेज करते हैं। फॉरेज प्रेफरेंस, फॉरेज प्रेफरेंस कल हमने देखा था कि प्रेफरेंस हनी बीज की फॉरेजिंग प्रेफरेंस किन अवामिल की होती है, नेक्टर और पोलन, नेक्टर की शुगर कंसंट्रेशन क्या है, नेक्टर की क्वांटिटी क्या है और नेक्टर की अवेलेबिलिटी क्या है, तो इस बेस पे वो उनके लिए प्रेफरेंस होती है। अब कई ऐसी क्रॉप्स को हमें पोलिनेट करवाना पड़ जाता है जो लेस अट्रैक्टिव टू हनी बीज होती है, जबकि उसी एरिया में कोई और ऐसी क्रॉप लगी होती है जहाँ पे हनी बीज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसके लिए फिर हम इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें नंबर ऑफ कॉलोनीज ज़्यादा चाहिए होंगी। जहाँ पे अगर एक अट्रैक्टिव क्रॉप को 100 हाइव्स फॉर एग्जाम्पल हमें उसके लिए दरकार है, तो नॉन अट्रैक्टिव क्रॉप के लिए वहीं पर 200 उसकी डिमांड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हनी बीज की प्रेफरेंस वो नहीं है, फॉरेजर्स वहाँ पे जाएंगे लेकिन डिजायर्ड फॉरेजर और नंबर ऑफ फ्लावर पे हासिल करने के लिए हमें मेन पॉपुलेशन पीछे इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्वीन क्वालिटी पहले डिस्कस हुआ कि क्वीन सबसे ज़्यादा अहम है किसी भी छत्ते में, तो क्वीन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ फॉरेजर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलोनी पॉपुलेशन डायरेक्टली रिलेट करती है क्वीन के साथ, और क्वीन जब एग लेइंग करेगी तो नए फॉरेजर्स प्रोड्यूस होंगे और जितने ज़्यादा फॉरेजर्स होंगे उतने हमें वो क्रॉप पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होंगे। सीजन फेवरेबल है या नहीं है, हनी बीज इसको आगे जो हनी बीज हैं उसमें सर्दी में आपने देखा होगा कम पॉपुलेशन होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो मतलब 19 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हनी बीज जो है वो अच्छी पॉपुलेशन करती हैं, उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है, सीजन मैटर करता है और हनी स्टोर्स एंड पोलन स्टोर्स ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अगर आप जो भी हाइव्स पॉलिनेशन की सर्विसेज के लिए रख रहे हैं उसके हनी और स्टोर्स पहले से ही बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके डब्बों में खुराक पड़ी हुई है, तो उनको क्या ज़रूरत है बाहर बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करने की। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्वीन एगलिंग कम कर रही है उनकी खुराक की ज़रूरत कम है वो पॉलिनेशन कम करेंगे, क्वीन की एगलिंग अच्छी होनी चाहिए, लार्वे बहुत ब्रूड वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ब्रूड क्यों मौजूद होना चाहिए कि उनको खुराक चाहिए, खुराक कहाँ से हासिल करेंगे, फॉरेजिंग से, फॉरेजिंग करेंगे प्लांट्स पे और प्लांट से वो जब फॉरेजिंग करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें पॉलिनेशन सर्विसेज दे रहे हैं। तो हनी और पोलन के रिजर्व भी इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी पॉलिनेशन के लिए जो हम कॉलोनी तैयार कर रहे हैं कि वो उनकी प्रेफरेंस ही ना रहे उस हिसाब से पॉलिनेशन। और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जैसे कि पिछले लेक्चर में किया कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग डायरेक्टली इफेक्ट करती है फॉरेजिंग के हवाले से, कॉलोनी पॉपुलेशन उसमें हमारी कई फार्मर्स की कॉलोनीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, कई की पूरी पूरी अपायरेंस डिस्टर्ब हो जाती है, तो पेस्टिसाइड के हवाले से भी हमें विजिलेंट रहना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बी एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज, इसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, जो अच्छी फ्लाइट बिगेंस है 16 to 19 degrees centigrade और 30 degrees centigrade तक हम कहते हैं कि जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है वो अच्छी होती है हनी बीज की। अगर मौसम अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है या विंडी मौसम है, उसमें वो फेवरेबल मौसम नहीं है हनी बीज के लिए, तो वो 150 meters से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे अपने हाइव से, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइव को जो जितना करीब हो सके जो डिज़ायर क्रॉप है उसके नीचे, हम हेल लैंडिंग लगाते हैं हिली एरियाज में अपने फ्रूट को ओलों से बचाने के लिए। अगर आप किसी ऐसे ऑर्चर्ड में हनी बीज को लेके गए हैं जहाँ पे हेल नेटिंग लगी हुई है, तो उसमें हनी बीज को प्रेफर ये किया जाता है कि उस हेल नेट के नीचे ही दरख्त के नीचे रखें, क्योंकि हेल नेट की वजह से हनी बीज जो फ्लावर्स की है वो प्रेफरेंस कम हो जाती है, ठीक है, और वो उस तरह पॉलिनेट नहीं कर सकती। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर है कि कई क्रॉप्स आपकी ऐसी हैं जैसे आलमंड है थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके की नहीं होती, तो उसमें आप
कॉलोनीज को ग्रुप्स बना के रख लेते हैं, पांच पांच, सात सात, छह छह ग्रुप्स। अब जहाँ पे हेल लैंडिंग जैसी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको हर ट्री के नीचे भी अगर आप एक कॉलोनी रख देंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये चीज है लोकेशन ऑफ हाइव्स में, इसमें आप ये जो है बी की तरह पॉलिनेशन के इफेक्टिव पॉलिनेशन हासिल करने के लिए उसको देखें। कॉलोनी स्टॉकिंग रेट्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉप, आपके पास जितनी कॉलोनीज की रिक्वायरमेंट है उतनी ही रख रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रख रहे हैं। उससे ज्यादा रखेंगे तो वो भी फायदेमंद नहीं है, उससे कम रखेंगे तो वो भी फायदेमंद नहीं है। और नेक्स्ट थिंग इज जैसे पहले बात की पेस्टिसाइड टॉलरेंस, पॉलिनेशन के लिए जो हम कॉलोनीज प्रिपेयर करते हैं उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें जब भी किसी क्रॉप की पॉलिनेशन के लिए जाना हो तो हमें 4 से 6 हफ्ते पहले उसकी कॉलोनी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें हमें ये देखना है कि हमारे, क्योंकि हम पाकिस्तान में सुपर में बहुत कम जाते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर सिंगल स्टोरी में भी हो तो उसकी कम से कम 8 से 10 फ्रेम होनी चाहिए। और पीछे पहले हमने बात की कि लार्वा की जो अवेलेबिलिटी, लार्वे की जो प्रेजेंस है हाइव में, वो क्रिटिकल पॉइंट है पोलिनेशन के हवाले से। तो 2 से 4 फ्रेम ऑफ ब्रूड होना चाहिए, और इसमें से भी जब आप पोलिनेशन के लिए जा रहे हैं किसी क्रॉप पे तो मैक्सिमम लार्वा हो। क्यों? क्योंकि वो लार्वे की ज़रूरत को, कंजम्पशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्जिंग करेंगे, और वो लार्वे की प्रेजेंस पोलन की डिमांड को इंक्रीज करेगा, तो उससे पोलिनेशन ज़्यादा होगी। गुड पोलिनेशन ऑफ बीज रेडी टू फॉरेज एज सून एज हाइव्स आर इंट्रोड्यूस, तो 4 से 6 हफ्ते पहले हमें तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए हमें अगर उसकी आर्टिफिशियल फीडिंग भी करवानी है तो वो हम करवाना पड़े तो हमें करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम डिजायर्ड पॉपुलेशन उसको हासिल करने के लिए वो ज़रूरी होता है। ये डिफरेंट क्रॉप्स की हनी बी कॉलोनीज की रिक्वायरमेंट है, इस तरह आप देख सकते हैं कि एलिमेंट में 5 से 8 कॉलोनीज चाहिए। ये पर हेक्टेयर के हिसाब से है कि पर हेक्टेयर हनी बी कॉलोनीज कितनी रिक्वायर्ड है। एप्पल में 3 से 5 कॉलोनीज, इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसी तरह डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स की। अगर पॉलिनेशन के हवाले से बात करें वाटरमेलन की, पम्पकिंस की, तो उसकी दो, पम्पकिंस की 2 से 4 कॉलोनीज, और ये उस लेवल को जाहिर कर रहा है। इसी तरह कैनोला में जो हमारे पास ब्रासिका भी जिसको हम कहते हैं रेप सीड भी, 102 कॉलोनीज पर हेक्टेयर, सनफ्लावर में 2.5 कॉलोनीज। तो ये रिसर्च से साइंटिस्ट ने ड्राइव किया है कि हम कितनी कॉलोनीज पर एकड़ होनी चाहिए ताकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी ना हो और पॉपुलेशन बहुत कम भी ना हो। ब्रासिका या सरसों, ये पाकिस्तान की एक बहुत अहम तेलदार जींस है, जिसमें पाकिस्तान में जो काश्त होने वाली दो, उसमें हम एक उसको रेप सीड और मस्टर्ड, रेप सीड में दो स्पीशीज है हमारे पास, ब्रासिका रेपा और ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी हाइब्रिड या वैरायटी इसको कह लें काश्त हो रही है वो कैनोला है, और दूसरा मस्टर्ड में भी एक वो काश्त हो रही है। रिमेंबर रिमेन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि बैक डेट्स में चले जाएं, ये जो भी कुकिंग ऑयल है इससे पहले सरसों का तेल ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी जो लोकल इंडिजनस, जिस तरह आजकल भी जोर दिया जा रहा है इंडिजनस स्पीशीज में, तो जो हमारी इंडिजनस प्रोडक्शन है ऑयल की वो हमें ज़्यादा करनी चाहिए, और इसमें 44 to 46% अच्छी क्वालिटी का ऑयल, इससे इसका जो सीड होता है और उसके बाद उसकी बाकी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च की है उस हवाले से नंबर ऑफ हाई बीज पर एकड़ भी है, पर हेक्टेयर भी है, जिसमें 1 से 2 कॉलोनीज, उसमें 0.8 1975 में जो रिसर्च हुई, इस तरह ये डिफरेंट रिसर्च के रेफरेंस दिए गए हैं। और जो लिटरेचर एवरेज हम उसमें से निकालते हैं वो 2 कॉलोनीज पर एकड़ के हिसाब से। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एक प्रोजेक्ट हमने विन किया था पार्क से, जो इम्पैक्ट ऑफ मैनेज पॉलिनेशन बाय एपिस मेलिफेरा ऑन द यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के टाइटल पे था।
उसमें टू मेन क्रॉप्स थी फ्रासिका और सनफ्लावर। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के पास कंपोनेंट था वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हनीबीज इन पोलिनेशन ऑफ फ्रासिका एंड सनफ्लावर क्रॉप था। ये एग्जीक्यूट किया था। इसके कुछ रिजल्ट्स फ्रासिका क्रॉप के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे इंडिजिनस रिजल्ट्स हैं कि जो यहाँ पे हमने पाकिस्तान में रिसर्च की, और उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं हमारे अपने क्लाइमेट कंडीशन के हवाले से वो क्या है। उसमें सबसे पहले क्वांटिफिकेशन थी कि हनी बीज कितनी क्वांटिटी में पोलन ट्रांसफ़र कर रही है। उसमें हमने देखा कि पोलन की जो लेग्स और बॉडी है उसमें से हमने जब पोलन बास्केट को लैदा किया और उसके पोलन की क्वांटिफिकेशन की और उसकी लेग और उसकी जो बॉडी पे पोलन्स लगे हैं वो हमें तकरीबन एक जितने, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दैट मीन्स कि अगर कोई भी हनी बी पोलिनेशन के लिए जा रही है तो जितने पोलन वो अपने लिए कलेक्ट कर लिए कर रही है उतने ही पोलन वो एनवायरनमेंट में उस क्रॉप पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे डिसेमिनेट भी कर रही है। इसमें अगला पैरामीटर था वीक वाइज कॉलोनी फॉर्जिंग रेट ऑफ एपिस मेलिफेरा ऑफ कॉलोनीज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। तो हमने इसमें ये देखा कि मक्खियों की जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है ब्रासिका सर्दियों की क्रॉप है। इसमें आपने देखा होगा कि सर्दियों में वैसे भी दिन में सर्दी होती है तो 10 बजे इनकी एक्टिविटी पीक पे होती थी दिन के टाइम जब टेम्परेचर ऑप्टिमल होता है। उसके बाद जूं जूं क्रॉप की स्टेज डिक्रीज हो रही है उनकी एक्टिविटी भी आपको डिक्रीज मिलेगा, और जिस तरह डे भी दिन भी गुजरता जा रहा तो हनी बीज की एक्टिविटी उसमें हमें कम देखने को मिली। तो इसलिए हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये है कि क्रॉप जब 5-10% मतलब 20% क्रॉप ब्लूमिंग से पहले पहले आपको अपनी कॉलोनीज क्रॉप पे शिफ्ट करनी है अगर आपको ब्रासिका से सबसे ज़्यादा फायदा हासिल करना है। फॉर्जिंग रेट ऑफ डिफरेंट पोलिनेटर्स, हमने जब बाकी पोलिनेटर्स को भी देखा ब्रासिका क्रॉप पे तो ये जो इसमें सबसे पहली बार है ग्रीन, ये हमें एपिस मेलिफेरा सबसे ज़्यादा पोलिनेटर्स वहाँ पे हमें मिले। एक उसकी वजह यह थी कि हमने उस पर मैनेज पोलिनेशन करवाई हमारे अपने डिब्बे थे, उसमें भी ये प्रेफरेंस के हवाले से कि हमारे बॉक्सेस जो हैं वो ब्रासिका को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और बाकी पोलिनेटर्स अगर आप देखें तो उसके हवाले उसमें से भी एपिस मेलिफेरा की क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा थी उसकी। इम्पैक्ट ऑफ मैनेज पोलिनेशन ऑन यील्ड, अब जो भी हम इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं इसका अल्टीमेट गोल हमारा उसकी पैदावार है सरसों की, कि आया हम पैदावार बढ़ाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। तो उस हवाले से ये मैं आपके साथ जो भी डेटा शेयर कर रहा हूँ ये फार्मर फील्ड का है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट का डेटा नहीं है। ये फार्मर फील्ड पे हमने चकवाल में दो फार्मर्स थे, एक सरल और दूसरा वहाँ पे साथ चकवाल के बाउंड्री पेरिफेरी में ही था, वो मुझे गाँव का नाम भूल गया। लेकिन हमने जो फार्मर ने क्रॉप लगाई हुई थी हम उस फार्मर के पास गए, हमने उसको ये पोलिनेशन का सारा प्रोसेस बताया और उसको उससे बाद में हमने ये रिजल्ट्स शेयर किए। तो उसमें कुछ प्लॉट्स को कुछ एरिया को एक फार्मर कितने एरिया पे क्रॉप लगा रहा है उसमें से हमने उसी फील्ड कंडीशन की क्रॉप में से नेटिंग कर दी कि जहाँ पे हनी बीज पोलिनेट नहीं कर सकती, और बाकी को हमने मैनेज पोलिनेशन हनी बी बॉक्सेस वहाँ पे उनकी फील्ड के हिसाब से रखे। तो उसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फर्टाइल पॉड्स कंसिडरेबल चेंज है, इंक्रीज है हनी बी पोलिनेशन के हवाले से। टोटल सीड वेट ऑफ 10 प्लांट्स में आप देखें 506 ग्राम हमारे पास आया हनी बी पोलिनेशन का, जबकि विदाउट इंसेक्ट पोलिनेशन जहाँ पे मैनेज पोलिनेशन नहीं इंसेक्ट पोलिनेशन नहीं थी वो 370 ग्राम था। नंबर ऑफ फर्टाइल पॉड्स में भी इंक्रीज है और टोटल सीड वेट में भी इंक्रीज था। नेक्स्ट डिस्टेंस का हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने दो डिस्टेंस पे हनी बी कॉलोनीज रखी थी दो मुख्तलिफ फील्ड में, एक 250 मीटर डिस्टेंस पे था और एक 500 मीटर डिस्टेंस पे था। इन दोनों डिस्टेंस पे हमने कॉलोनी का फॉर्जिंग रेट चेक किया तो हमें उसमें पता चला कि जो कॉलोनी सरसों के फील्ड के ज़्यादा करीब पड़ी हुई है उस पर फॉर्जिंग एक्टिविटी ज़्यादा है बनस्बत उसके कि जो
हमने 500 मीटर पे या उससे दूर रखी थी ब्रासिका फूल से, और उसी पे 250 मीटर और 500 मीटर पे जब हमने यील्ड को चेक किया तो उस यील्ड में भी डिफरेंस था कि अगर हमने करीब कॉलोनी रखी तो उसमें हमारे पास सीड वेट पर प्लांट 11 ग्राम था, जबकि जो 500 मीटर वाली कॉलोनी थी उसमें हमारे पास सीड वेट जो पर प्लांट था वो 7 ग्राम था। तो करीब कॉलोनी रखने से ये भी हमें फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिनेशन हुई और ज़्यादा यील्ड में इंक्रीज हुआ बनिस्बत इसके कि जो हम कॉलोनी फील्ड से दूर रखते हैं। सेकेंड क्रॉप जो इम्पोर्टेंट डाल सीड के हवाले से वो सनफ्लावर है, और ये दुनिया में मेजर सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल है। खाने का जो तेल है उसकी ये मेन सोर्स है उसके लिए। पाकिस्तान में जो सूरजमुखी है ये 1970 में लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, और इसकी पाकिस्तान में हम दो क्रॉप्स ले सकते हैं। फार्मर्स फील्ड में ज़्यादातर एक ही स्प्रिंग की जो सोइंग है जिसको हम समर क्रॉप या स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं वो लेते हैं, लेकिन विंटर में भी हम इसको सो कर सकते हैं और इसकी हम विंटर क्रॉप भी ले सकते हैं। गो के स्प्रिंग क्रॉप से थोड़ी यील्ड कम होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसके दो सीजन में क्रॉप्स थे। पाकिस्तान में ये तकरीबन 2.25 लाख एकड़ की काश्त होती है, और इससे जो हम सालाना 1 लाख टन सूरजमुखी हासिल करते हैं। तेल का इतना की बात हुई तो पाकिस्तान की जो हम खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 12% हम खुद अपने मुल्क में पैदा करते हैं, बाकी हम सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 3 से 4 बिलियन एवरेज सालाना हम सिर्फ ऑयल पे जो एडिबल ऑयल है कुकिंग ऑयल है उस पे उसकी इंपोर्ट पे सर्व करते हैं, और जो लोकल प्रोडक्शन है 12% उसमें से सूरजमुखी का हिस्सा 30% है, 30% जो हमारी ऑयल है कुकिंग ऑयल वो सनफ्लावर से वो लोकल प्रोड्यूस हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो हमारी कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन है वो 8% के हिसाब से बढ़ रही है सालाना, जबकि हम अगर इसमें देखें हमारी लोकल प्रोडक्शन तो वो तकरीबन 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखें कि अगर ये 3 से 4 बिलियन ये तकरीबन पिछले साल का डेटा होगा, तो ये पिछले साल 3 से 4 बिलियन है, तो 8% के हिसाब से अगर हम अपनी तेलदार अजनास की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो हम अगले 5 साल में कहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो सनफ्लावर की सूरजमुखी की एवरेज है वो तकरीबन 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि इसका पोटेंशियल जो साइंटिस्ट कहते हैं वो 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पाकिस्तान कंडीशन में हम इसका ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स हम हमारा जो फार्मर है वो उसको नहीं ले रहा, और उसमें एक मेन फैक्टर पोलिनेशन का भी है, और हम 35% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं सूरजमुखी की हनी बी पोलिनेशन के थ्रू। इसमें से भी जो काम किया हुआ है जो रिजल्ट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के पार प्रोजेक्ट के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें से भी इस सूरजमुखी पे भी हमने हनी बीज को रखा और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को जब चेक किया तो नंबर ऑफ पोलन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डायरेक्टली इसमें आप देखेंगे डेट ऑफ फ्लावरिंग के हिसाब से वेरी कर रही है, कि जब हमने 40% पे उसको रखा हनी बीज को तो वो सबसे पहले वाली बार आप देखें उसमें आपको नजर आ, उसके बाद इंक्रीज है क्योंकि क्रॉप जो है वो ब्लूमिंग पे सारी आ जाती है, तो जैसे जैसे क्रॉप ब्लूमिंग से कम होती गई तो हमने उसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ हनी बीज ट्रांसपोर्ट कर रही है वो भी कम है। फॉर्चिंग रेट भी क्रॉप ब्लूमिंग के हवाले से वही ट्रेंड हमें मिला जो हमें ब्रासिका में मिला था, कि फॉर्चिंग रेट शुरू में ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे ब्लूमिंग एंड पे जाती है क्रॉप की तो कॉलोनी फॉर्चिंग रेट कम होता है। इसमें क्योंकि 2 क्रॉप्स होती है सनफ्लावर में तो हमने कॉलोनी फॉर्चिंग रेट जब टाइम के हिसाब से चेक किया तो समर में हनी बीज ने सुबह 6 बजे एक्टिविटी स्टार्ट की और मैक्सिमम एक्टिविटी समर क्रॉप, क्योंकि समर क्रॉप ब्लूमिंग पे तकरीबन मई के स्टार्ट में अप्रैल के एंड में हमारे यहाँ फोटोहार में आ जाती है,
तो सुबह 6 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी थी, और जैसे जैसे दिन गुजरता गया टेम्परेचर हार्श होता है तो उसकी फॉर्जिंग एक्टिविटी हमें कम देखने को मिली। इसी तरह जो खिजा की हमारे पास फसल थी उसमें हनी भी सुबह 8 बजे से, क्योंकि ये अक्टूबर सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर का पहला हफ्ता ब्लूमिंग भी होता है, तो उसमें मौसम के हवाले से जो टेम्परेचर सूटेबल कंडीशन थी वो सुबह 8 बजे हनी बीज ने फॉर्जिंग सबसे मैक्सिमम हमने ऑब्जर्व की। और उसके बाद जैसे दिन गुजरता है तो दिन गुजरने के साथ भी हनी बी की फॉर्जिंग एक्टिविटी कम होती है। टेम्परेचर भी इसमें फैक्टर है, लेकिन इसमें हमने जो दूसरी चीज़ ऑब्जर्व की कि डे दिन के गुजरने के साथ हनी बीज की एक्टिविटी नेचुरली हमने कम देखी। उसमें अगर सारा दिन भी वही कंडीशन रही है, वेदर कंडीशन मौसम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, उसमें भी हनी बीज की एक्टिविटी हमें दिन गुजरने के साथ कम ही मिली। यील्ड के हवाले से उसमें नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट जब हमने देखे तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिला, जिन प्लांट्स पे हनी बी ने पोलिनेट किया था इंसेक्ट्स ने और जिन पे नहीं था किया। लेकिन जब हमने वेट को एनालिसिस किया तो जिन पे शहद की मक्खियों ने पोलिनेशन की हुई थी उनका वजन ज़्यादा था बनिस्बत उनके उन बीजों के जहाँ पे हनी बीज ने पोलिनेशन नहीं थी की हुई। इसी तरह जो अगला एक्सपेरिमेंट था हमने उसको 250 और 500 मीटर पे चेक किया, तो उसमें से भी हमें नंबर ऑफ सीड्स, टोटल वेट ऑफ सीड्स और 100 सीड वेट में डिफरेंस मिला। तो ये ब्रीफ था जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने तजर्बात किए उस हवाले से, और क्या हनी बीज जो हैं वो रोल प्ले कर सकती हैं हमारी कौमी ज़रूरत पूरी करने में, जो तेलदार अजनास की हैं उसको इंक्रीज करने में। तो इसमें बी कीपर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और बी कीपर्स को चाहिए कि जो उनके पीछे फार्मर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रासिका से हनी भी हासिल होगा। अगर आप ब्रासिका का हनी उतना सेल नहीं हो रहा, मतलब आपको पता है कि उसका मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी कॉलोनी को उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली पोलिनेशन के थ्रू हमारे मुल्क को भी फायदा होता है और हमारे फार्मर को भी फायदा होगा, हमारे बी कीपर को भी फायदा होगा। हमें चाहिए कि हम जहाँ भी मतलब बात हो तो पोलिनेशन के हवाले से बात करें, और हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए पोलिनेशन सेक्टर को, हनी बीज में बी कीपिंग में पोलिनेशन सेक्टर को इसका प्रचार आप कह लें, इसको डेवलप करने की इसकी वकालत, क्योंकि इससे बी कीपर को फायदा है। और हनी के साथ साथ जब आप पोलिनेशन करवा रहे हैं तो अगर सिर्फ आप पोलिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी फार्मर से कर रहे हैं तो वो पोलिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको फायदा देगा और फार्मर को भी अल्टीमेटली उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुक्रिया। आपने कोई शेप भी देखी है कि जो सीड जो है जो पोलिनेशन बीज करती है उनकी शेप जो है वो मच बेटर एज कम्पेयर टू दोस पोलिनेटर की जो बीज के बगैर जो बेंड होगी या इस टाइम को भी आपने जी सर, इसमें सनफ्लावर में तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर में हमने देखा कि उसका जो वेट था वो इंक्रीज हुआ, और वेट इंक्रीज होने के साथ जब आप उसी कैपेसिटी में सूरजमुखी के बीज का साइज वही है लेकिन उसके अंदर कंटेंट है वो अच्छा है, ऑयल कंटेंट अच्छा है। ऑयल कंटेंट में इसमें तो हम टेस्ट नहीं करवा सके, लेकिन अभी मेरी पीएचडी की रिसर्च भी क्योंकि संपर्क पे है उसमें हम ऑयल कंटेंट ऑफ पोलिनेटेड एंड नॉन पोलिनेटेड क्रॉप करें। जी सर, शेप ही है मतलब वेजिटेबल में हनी बीज को पोलिनेशन करती है, जो सेब हनी बीज ने पोलिनेट किया हुआ है उसकी कलर वेरिएशन बहुत अच्छी होती है एज उसकी निस्बत के जो हनी बीज ने नहीं पोलिनेट किया होता। तो जिस तरह सर कह रहे हैं कि बिल्कुल एक दुरुस्त बात है, उसकी शेप, उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जी सर, मैं
मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा सर। रिसेंटली मैं बदीन गुलाची में विज़िट किया मैंने सनफ्लावर के सीज़न के अंदर फार्म जहाँ पे बी कीपर्स गए हुए हैं। तो वहाँ पे एक जगह पे एक बी कीपर ने उसके 265 बॉक्स थे और उसने बताया कि एक फार्म पे उन्होंने एक जगह पे जाके रखा, पहले बात करके उन्होंने रखे, तो वो बाद में बड़ा भाई आया तो उसने फार्म वहाँ से हटवा दिए कि ये बीज जो है वो हमारी फसल खा जाती हैं, इनको यहाँ से हटाओ। बहरहाल उन्होंने कोशिश की उसको मोटिवेट करने की, वो नहीं हुआ, वो वहाँ से मूव करके जब दूसरी जगह जहाँ पे जाके रखा तो वहाँ पे एक बंदा उनके पास आया जिसने ये बताया कि मैं अभी एक नई वैरायटी लेके आया हूँ बाहर से सनफ्लावर की, तो आप अपने 10 डब्बे मुझे दे दें, मैं खुद ट्रांसपोर्ट करके ले जाऊँगा इनको अपने फार्म के ऊपर और वापस 10-15 दिन के बाद मैं खुद छोड़ के जाऊँगा। और इसका मैं आई विटनेस हूँ कि वो डब्बे जिस बंदा लेके गया था जिस दिन वापस लेके आया तो उस दिन मैं फार्म पर मौजूद था और वो वापस लेके आया। इसी तरीके से वहाँ पे मतलब इस दफ़ा तकरीबन को 22 से 23 फार्मर उस पूरे एरिया में गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे अगर 300 फार्मर भी जाएँ तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे इस दफ़ा सनफ्लावर उन्होंने काश्त किया है। और बहुत मतलब उसका ड्यूरेशन भी ऐसा है कि उन्होंने 3-4 कुछ ऐसे फील्ड्स मैंने देखे हैं जिनका सनफ्लावर पका हुआ था और कुछ ऐसे फील्ड मैंने देखे जिनके अभी बहुत छोटे छोटे थे पौधे जिनके ऊपर अभी फूल भी नहीं आया। तो अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस क्रिएट की जाए फार्मर्स के तक के ये पोलिनेटर है और ये आपकी फसलों को फ़ायदा पहुँचाएगी नुकसान नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस रोज़ रोज़ बढ़ेगी। थैंक यू। बिल्कुल सर, इसमें जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर की जो हाइब्रिड वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं उसमें जो कंपनीज है वो हनी बीज को ही यूज़ करती हैं, बाकी भी मेथड है मैनुअल मेथड है, लेकिन हनी बी क्योंकि खुद पोलिनेट करती है मेल स्टराइल और मेल फर्टाइल फ्लावर्स के बीच में मूव करती है, तो वो एक नेचुरल पोलिनेटर जो ब्रीडर है जो हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहा है उसको मिल जाता है। तो हनी बी हाइब्रिड प्रोडक्शन में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हनी बीज का एक है।